अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है। तो अस्थमा ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ, शहद क्षारीय है, तो दालचीनी शहद, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है, और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है, अब ये क्यों है ये बात का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी, एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी। इसके बाद हाँ, बाकी तो आंखों की। मुंह में छाले बहुत रहते हैं, ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है, उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें किसी भी होम्योपैथी की दुकान से, खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, इसके 3 ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता, पानी करेगा धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन बागवट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान है तभी बोरेक्स का इस्तेमाल करें। और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें, 1 बूंद डाल दें पानी में और उस पानी के 3 हिस्से करके उसको पी लें, 1 कप पानी हो, आधा कप पानी हो, चौथाई कप पानी हो।